अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाजरीन। इस वक्त हम बस स्टैंड किश्तवाड़ में हैं। यहाँ पर पुलिस ने और जो बाकी बेल्ट फोर्सेस है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, हमारी आर्मी सीआरपी जो है, उन्होंने एक यहाँ पर जो है वो एक नाका लगाया है यहाँ पर चेकिंग करने के लिए। शहर में जो है वो इस वक्त काफ़ी सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि हमने आपको कुछ देर पहले भी दिखाया था यहाँ पर कि आज कलश यात्रा भी यहाँ पर आई हुई है और आगे चलकर जो है वो इधर पर नए साल का भी जो है वो सीज़न चल रहा है। किसी भी तरह की मूवमेंट को या बाकी चीज़ें अलर्टनेस को देख रहे हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस आप देख रहे हैं इस वक्त बस स्टैंड में जो है वो चेकिंग की जा रही है। एसएचओ किश्तवाड़ खुद मौजूद है। ये सिक्योरिटी चेकिंग है। यहाँ पर कार्ड्स चेक किए जा रहे हैं। बाकी गाड़ियों की तो चेकिंग ही होती ही रहती है, लेकिन इस वक्त जो है वो ये सिक्योरिटी चेकिंग हो रही है यहाँ पर। इस वक्त अचानक जो है वो एक जो है वो यहाँ पर नाका लगाया गया ताकि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है उससे अलर्टनेस पता चलता है कि शहर में जब किसी तरह के जो हालात होते हैं या इनपुट मिलते हैं उस वक्त जो है वो कितनी जो पुलिस या आर्मी या हमारी सीआरपीएफ कितनी प्रिपेयर है। ये नाके जो है वो उसी के लिए जो है यहाँ पर लगाए जाते हैं। और इस वक्त भी जो है यहाँ पर बस स्टैंड में जो है वो नाका लगाया गया है। आप देख सकते हो चेकिंग की जा रही है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की। ये एक जो है वो सिक्योरिटी नाका है। हालांकि इसमें ट्रैफिक की वायलेशंस वगैरह भी जो है वो कभी कभार जो है वो चेक हो रही हैं। साथ में हम अवेयरनेस भी दे रहे हैं ट्रैफिक के रिलेटेड। मैं बता दूं कि किश्तवाड़ में इस वक्त एक ऐसा सिस्टम है कि अगर यहाँ पर कुछ भी हो जाए तो पूरे शहर को जो है वो 2 से 3 मिनट में जो है वो सील किया जा सकता है। मतलब इतना सिस्टम जो है वो इन प्लेस है। हमने आप देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है यहाँ पर गाड़ियों की जो है वो चेकिंग कर रही है। आप देख रहे हैं इस वक्त हम बस स्टैंड में हैं। आर्मी भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस मौजूद है, आर्मी मौजूद है। आप हमें बताया गया है कि ये स्पेकुलेटिव जो है वो एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त यहाँ पर, जिसमें गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आप कहाँ से? क्या काम करते हैं? कंपनी में इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस और आर्मी जो है वो मौजूद है। और इस वक्त जो है वो पूरे शेर बर्ग जो बस स्टैंड का एरिया है और यहाँ के एडजॉइनिंग एरियाज है वहाँ पर जो है वो पुलिस और आर्मी जो है वो चेकिंग कर रही है। आप देख रहे हो यहाँ पर इस वक्त हम बस स्टैंड किश्तवाड़ में। आप देखिए एम्बुलेंस के लिए जो है वो रास्ता जो है वो खुला रखा गया है। ये नहीं है कि किसी तरह की परेशानियां हो जाए। आप देखिए ये एम्बुलेंस आए, इसको जो है वो क्लियर कर दिया एम्बुलेंस को। इस लोगों से हम अपील भी करते हैं कि वो जो है वो एम्बुलेंस को जो है वो जगह दिया करें। जैसे हम एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, आज प्रधानमंत्री ने अपने जो कैवलकेड है उसको जो है वो रोककर एम्बुलेंस को जो है वो रास्ता दिया है। गालिबन शायद ये वाराणसी का आज का वाकया है। आज ही जो है यहाँ पर हम बता रहे हैं कि अभी कुछ देर पहले किश्तवाड़ में जो हम विजुअल्स दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरह से एम्बुलेंस के लिए जो है वो रास्ता ऑलरेडी क्लियर था ताकि एम्बुलेंस जैसी सर्विसेज जो है वो हिट ना हो जाए। ये सीआईएसएफ के जवान हैं, क्योंकि हमें शक हुआ कि शायद ये आर्मी है, लेकिन ये इस वक्त पुलिस और सीआईएसएफ का जो है वो जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पर सर्च चल रही है। आप देख रहे हैं गाड़ियों को जो है वो चेक किया जा रहा है। जैसे कि मैं बता रहा था कि आज प्रधानमंत्री ने जो है वो एम्बुलेंस के लिए जो है वो अपने पूरे काफ़िले को रोका, और उसी तरह से यहाँ भी हमने कुछ देर पहले एम्बुलेंस को किस तरह से पुलिस ने यहाँ पर क्लियर किया, डिस्पाइट कि यहाँ पर जो है वो इस वक्त जो है वो सर्च ऑपरेशन एक तरह का जो है वो चल रहा है। मैं बता दूँ कि किश्तवाड़ में अगर कुछ भी होता है पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन 2 से 3 मिनट तक पूरे किश्तवाड़ को जो है वो चौक कर सकते हैं, यानी कि डूल से लेकर
शालेमार, शालेमार से लेकर हस्ती, हस्ती से लेकर मालीपेट, मालीपेट से दीवारू, लालपटन, श्यामला कॉलोनी जैसा एरिया जो है ये तकरीबन 10-20 स्क्वायर किलोमीटर का जो है ये एरिया है, जिसको जो जब भी पुलिस चाहिए यहाँ पर या कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी चाहे उसको जो है वो पूरे 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर जो है उसको जो है वो सील किया जा सकता है, ताकि किसी भी तरह की मूवमेंट को जो है वो एंट्री और एग्जिट को जो है वो रोक सके। मतलब अब डिजिटल दौर है, CCTVs लगे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर इस वक्त हम ये विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं बस स्टैंड किश्तवाड़ के, इस वक्त यहाँ पर CISF जो है वो पुलिस के साथ जो है यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पर एक तरह से ये स्पेकुलेटिव ऑपरेशन होते हैं कि कितनी तैयार है पुलिस और आर्मी, CISF, CRPF कितनी तैयार है, वो चीज़ें जो है वो देखी जाती है। एक तरह से प्रिपेयर्ड है पूरी तरह से यहाँ पर हमारी फोर्सेस। मैं बता दूँ CISF का एक बहुत बड़ा रोल है सिक्योरिटी में। यहाँ पर हमारे पावर प्रोजेक्ट जो है वो इस वक्त टोटली CRPF और पुलिस के कंट्रोल में है। आप देख रहे हैं CISF की टीम, जैसे कि मैं बता रहा हूँ CISF एक लीड फोर्स है, पावर प्रोजेक्ट्स का कंट्रोल पूरा इनके कंट्रोल में है। इसके अलावा जो एयरपोर्ट्स होते हैं या बाकी पूरे हिंदुस्तान भर में जो की इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवेज है, मैक्सिमम जगह पर जो है वो CRPF का ही जो है वो कंट्रोल है। यहाँ पर जो है वो चेक किया जा रहा है, आप देखिए ये UP नंबर की गाड़ी है, इसको चेक किया जा रहा है। हमने दिखाया था आपको कुछ महीने पहले कि किस तरह से पुलिस ने और आर्मी ने एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन के बाद जो है वो जलना नाका पर जो है वो कुछ एक्सप्लोजिव पकड़ा था। इसके अलावा इफेक्टिवनेस की वजह से 1-1.5 साल पहले भी जो है वो यहाँ पर एक गाड़ी में जो है एक्सप्लोजिव जो है वो रखा गया था बस स्टैंड पर, लेकिन बाद में वेल कोऑर्डिनेटेड इंफॉर्मेशन के बाद जो है उस गाड़ी को जो है भंडारपुर से पहले ही जो है वो सीज़ किया गया था। हम इस वक्त बस स्टैंड पर बने हुए हैं, यहाँ पर CISF जो है इस वक्त और पुलिस जो है वो यहाँ एक सर्च कर रही है। ये जो इस वक्त ड्राइव है ये गाड़ियों की ट्रैफिक वायलेशन की ड्राइव नहीं है, एक स्पेकुलेटिव सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। क्योंकि मैं बता दूं कि आज यहाँ पर कलश यात्रा भी आई थी, जो अयोध्या में राम मंदिर की जो 22 जनवरी को इनाग्रेशन होनी है, उस सिलसिले में यहाँ पर जो है वो कलश यात्रा भी आई है, जो अब यहाँ पर जो है वो घरों घरों में जो है उसका जो जो कलश में जो वहाँ से चावल और बाकी चीज़ें लाए गए हैं उनको जो है वो बांटा जाएगा। सिक्योरिटी जो है वो ऑलरेडी अलर्ट पे है, और क्योंकि अब साल का ये आखिरी महीना है, आगे चलकर फिर 26 जनवरी आनी है, यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट्स में काम चल रहा है, और जो अमन दुश्मन लोग हैं वो हमेशा कोशिश में रहते हैं कि किस तरह से जो है वो गड़बड़ी फैलाई जाए। इसी सिलसिले में जो है यहाँ पर पुलिस और CISF जो है यहाँ पर एक ऑपरेशन कर रही है। हालांकि जो आर्मी है वो भी जो है वो इस तरह के ऑपरेशंस में रहती है, लेकिन इस वक्त आर्मी जो है वो यहाँ मौजूद नहीं है। जो किश्तवाड़ टाउन और एडजॉइनिंग एरिया जो है वो 26 RR के जेरे निगरानी आता है, यानी कि जो 26 RR है किश्तवाड़ टाउन और जो मुजाफात के एरियाज़ हैं वो उन्हीं के सिक्योरिटी कंट्रोल में है आर्मी के लिहाज से। और हम देख रहे हैं इस वक्त CISF यहाँ पर मौजूद है। मैं बता दूं कि यहाँ पर कुछ लोगों के मोबाइल्स भी चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर जो है वो OGWOs के जो मोबाइल्स होते हैं उनमें पाकिस्तान के नंबर्स जो है वो सेव होते हैं, यानी कि 92 डायल करके चेक करते हैं कि क्या किसी का कोई नंबर है कि नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है इस वक्त चल रहा है, और जो मुस्तहिद है यहाँ पर पुलिस और CISF के लोग। ये बस स्टैंड आप देख सकते हो, यहाँ पर गाड़ी चेक किया जा रहा है,
यहाँ पर इंस्ट्रक्शन से जिनको भी बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर लगा हुआ है उनको जो है वो सीज करने का भी आर्डर है। इस बीच वो गाड़ी भी आई तो उसको भी चेक किया। आप देख सकते हो यहाँ पर इस वक्त काफ़ी लंबी कतार जो है वो लगी हुई है यहाँ पर गाड़ियों की। इस वक्त जो है वो यहाँ पर बस स्टैंड में जो है वो एक स्पेशल नाका लगाया गया है, स्पेक्युलेटिव सर्च ऑपरेशन हो रहा है इस वक्त यहाँ पर कि इसमें चेक किया जा रहा है कि कितने प्रिपेयर्ड यहाँ पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज है। अगर यहाँ पर किसी तरह का भी जो है वो कोई बदकिस्मत हादसा होता है उस वक्त कितने अलर्ट होंगे उसकी प्रिपेयर्डनेस को जो है वो इस वक्त चेक किया जा रहा है। आप देखिए इस वक्त हम बस स्टैंड किश्तवाड़ में जो है वो बने हुए हैं। ये विजुअल्स जो है वो स्पेकुलेटिव सर्च ऑपरेशन के है यहाँ पर। ये ऑपरेशन जो है वो इस वक्त जारी है यहाँ पर और हम इस वक्त बस स्टैंड में है। अभी ये कितनी देर जारी रहेगा वो हम बता नहीं सकते, लेकिन इस वक्त जो है वो यहाँ पर पुलिस और सीआईएसएफ जो है वो गाड़ियों को जो है वो चेक कर रहे हैं। कभी कभार इस तरह के जब ऑपरेशन होते हैं तो अचानक जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो कामयाबियाँ मिल जाती हैं। हमने देखा था कि तीन बार इस तरह के सर्च ऑपरेशन में जो है वो तीन ड्रग पेडलर जो है वो 3 बार पकड़े गए थे। हम ये विजुअल्स जो है वो आपको दिखा रहे हैं बस स्टैंड किश्तवाड़ के। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो बाकी मीडिया के लोग भी इसको कवर कर रहे हैं और ये SHO किश्तवाड़ परवेज खांडे साहब जो है वो आपके स्क्रीन पर हैं। ये लाल हुसैन साहब गाड़ी चला रहे हैं, वो भी निकल रहे हैं यहाँ से। यहाँ पर जो है वो देखा जा रहा है। मैं कभी कभार जो है पैनी नज़र भी होती है ऑफिसर की, वो भी जो है वो इसको देखता है। ये सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं। अच्छा, ये सिक्योरिटी गाड़ी है अपनी, इसको चेक किया जा रहा है, इसको भी जो है वो देखा गया। बाकी कभी कभार जो है वो हमने देखा कि कुछ लोग जो है वो सिक्योरिटी के बेस में भी आकर जो है वो आतंकी कभी कभार जो है वो गड़बड़ी मचाते हैं, पूरा चेक करते हैं इसमें, और लोगों को जो है वो कॉपरेट भी करना चाहिए। हम ये विजुअल्स आपको बस स्टैंड किश्तवाड़ के दिखा रहे हैं और आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।